हरियाणा की नूह विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा एवं हॉट सीट है। नूह विधानसभा सीट में तकरीबन 2,02,000 मतदाता हैं। इस विधानसभा में 201 बूथ बनाए गए हैं और 115 गांव शामिल हैं। पिछले विधानसभा 2019 की तुलना में इस बार 8 नए बूथ शामिल किए गए हैं। सबसे खास बात तो यह है कि यह विधानसभा नूह जिले के 3 बड़े राजनीतिक घरानों की राजनीतिक सफर की गवाह रही है। यहाँ से पूर्व सांसद चौधरी मरहूम खुर्शीद अहमद के साहबजादे आफताब अहमद कांग्रेस के विधायक व सीएलपी उपनेता हैं। चौधरी मरहूम तैयब हुसैन पूर्व सांसद के साहबजादे चौधरी जाकिर हुसैन यहाँ से 2014 से 2019 तक विधायक रहे। इससे पहले चौधरी मरहूम पूर्व सांसद रहीम खान के साहबजादे हबीबुर रहमान निर्दलीय विधायक रह चुके हैं तो उनके बड़े भाई मोहम्मद इलियास भी इस सीट से विधायक बन चुके हैं। कुल मिलाकर इस सीट पर नूह जिले के 3 बड़े राजनीतिक घरानों का दबदबा रहा है। अगर हम जीत हार के मामले की बात करें तो यहां तकरीबन 65% मुस्लिम मतदाता हैं और 35% हिंदू मतदाता हैं। जहां तक मुद्दों पर इन राजनीतिक परिवारों का दबदबा भारी पड़ता है। बता दें आफताब अहमद यहां से 2 बार विधायक बन चुके हैं जबकि चौधरी जाकिर हुसैन एक बार इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर विधायक बन चुके हैं। बता दें वर्ष 2019 में भी आफताब अहमद और चौधरी जाकिर हुसैन के बीच मुकाबला था जिसमें तकरीबन 4,000 वोटों से आफताब अहमद चुनाव जीत गए थे। अगर इस विधानसभा पर विकास की बात करें तो पिछले 10 सालों में कोई बड़ी परियोजना इस जिले के हिस्से में नहीं आई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलावा रोचकामेव औद्योगिक क्षेत्र में बन रही एशिया की सबसे बड़ी पेंट्री फैक्ट्री को छोड़ दिया जाए तो कुछ खास इस इलाके को नहीं मिल पाया। जबकि कांग्रेस के शासनकाल में अच्छे रोड्स के अलावा लघु सचिवालय परिसर आईटीआई पॉलिटेक्निकल कॉलेज जैसे बड़े संस्थान के अलावा नलहड़ मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी सौगात इस इलाके को मिली थी। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने कोई खास विकास इस इलाके में नहीं किया। उनके शासनकाल में यहाँ पर विकास हुआ था और दूसरी तरफ पूर्व विधायक भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा विधायक ने कोई विकास कार्य नहीं कराया। यहाँ सबसे बड़ी समस्या इन दिनों नगर परिषद नूह में विकास से लेकर जलभराव एवं गंदगी की है जिसको लेकर आमजन पूरी तरह से परेशान है। दोनों नेता तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं लेकिन जब यहाँ के मतदाताओं ने मतदाताओं की नब्ज टटोली गई तो उन्होंने कहा कि दोनों विधायकों ने यहाँ पर कुछ खास नहीं किया। यही वजह है कि न केवल नूह जिला न केवल नूह शहर की हालत बस से बदतर हो गई बल्कि गांव में भी जल भराव है और गंदगी है। आप देख रहे नूह मेवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विधायक जी नूह हल्के के हाल की अगर बात करें 5 साल आप यहाँ से विधायक रहे हैं, नूह हल्के के हाल के बारे में आपका क्या कहना है, क्या यहाँ की विशेषता है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जहां तक नूह के विकास की बात है जब से 2014 के बाद से उसके विकास को ग्रहण लग गया। कांग्रेस की स्वीकृत करी हुई परियोजनाएं इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी, जानबूझ के डाल दी। 248A नेशनल हाईवे नूह शहर से अलवर बॉर्डर तक जिसका 4-लेनिंग मंजूर था 2018 में इन्होंने कर दिया और 2019 से जब से हमने विधायक बने शुरू करा तो उसके बाद टाल मटोल का कर दिया। पूरे 5 साल हो गए कोई ठोस कार्रवाई उस पर नहीं करी। इसी तरह ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल छपेड़ा की 10 एकड़ भूमि 2014 से इन्होंने लेके आज तक एक ईंट नहीं लगाई। यूनानी मेडिकल कॉलेज आखेड़ा में आज भी अपनी बदहाली के लिए बनने से पहले ही जो है उसकी बिल्डिंग नहीं बन पाई, 2014 से बन गई। मेवात कैनाल प्रोजेक्ट इन्होंने फिर से धरा बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। कोटला झील का जो अधिग्रहण करके इनका था, जितना काम हम करके उसके कर दिया उससे कहते, तो ये इनकी दर्शाती है कि इन्होंने काम को रोकने काम किया। और अब की बार तो हालात ये हो गए कि पीने के पानी के लिए और बिजली के लिए भी लोगों को तरसना पड़ा और उसकी लड़ाई जितनी हमने लड़ सकते थे मैं समझता हूँ कि उसकी चाहे चंडीगढ़ तक थी चाहे यहाँ थी पूरी लड़ी। तो ये बदहाली का और यहाँ के प्रशासन की फेलियर का जो है एक नमूना है। और जहाँ तक इस इलाके की खूबी की बात करूँ ये वीर शहीदों की धरती है,
जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने हमारे बुजुर्गों ने हमेशा लड़ाई लड़ी, देश के प्रति खड़े रहे, कभी धर्म और जाति पे ना जाके इस धरती को और इस देश को अपना देश माना, विभाजन हुआ नहीं गए, और आज भी यहाँ का हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा मैं समझता हूँ कि मिसाल है। हाँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की नीति की वजह से पिछले साल उनकी ढुलमुल रवैये की वजह से, उनकी लचर व्यवस्था की वजह से, उनकी कानून व्यवस्था में को फेल करने के और अपनी एक साजिश के तहत इस भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करी गई थी, और जो कुछ तत्व ऐसे थे जो आपस में भिड़े जिससे भाईचारे का नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, और उससे ज़्यादा हमारे विश्वास का आपस में जो है उसमें दरार पड़ने का काम हुआ। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा, फिर से इस प्रदेश और इस इलाके के लोगों ने खड़े हुए और फिर उसी मजबूती से भाईचारे को उन्होंने वो किया, हमने भी मिलकर भाईचारे को मजबूत करने के लिए भाईचारा सम्मेलन तक किया, और सब खापों ने, सब हमारी पंचायतों ने, सब ने, आसपास के इलाकों ने खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को इसकी साजिश का जिम्मेदार करा। ये भी बात है कि आज हमारे 400 से 500 नवयुवक जो हैं, जिसने किया है उसको सजा दे, लेकिन जिसने नहीं किया, जो बेचारे नौजवान जो बेगुनाह हैं, वो आज तक भी जेल में है, UAPA जैसे उसमें वो है, और ये पुलिस जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि हमने कहा था इसकी जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल कमीशन भेजने, उसको छोड़ के इन्होंने अपनी जो है जबरन कार्रवाई करके और लोगों को जबरदस्ती झूठे मुकदमों में, और एक PUDR की रिपोर्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने भी कहा है ज्यादती पुलिस ने इतनी जबरदस्त करी है, झूठे मुकदमे बनाए। मैं समझता हूं कि आज भी हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि इस सारी जिम्मेवारी, क्यों ये झगड़े हुए, क्यों ये दंगे हुए, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसका जुडिशियल इंक्वायरी बने, और उसके बाद जिस तरीके से जबरन और झूठे लोगों को फंसाया गया, पुलिस का जो दमन किया गया, उसकी इंक्वायरी हो, जिससे दूध का दूध पानी हो और लोगों को इंसाफ मिल सके, और जो करने वाले हैं उन्हें दंडित करें, लेकिन निर्दोषों को इसके बहाने से ना करें, और लोगों के, हजारों लोगों के घर उजाड़ दिए, तोड़ दिए, तो इस सब की कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी की नीयत का जब पता लगा, लेकिन लोगों ने अपने भाईचारे को मजबूत रखा, और आज भी हम समझते हैं एक साल गुजर गया, हम फिर से उसी मजबूत भाईचारे के साथ आगे बढ़। इस विधानसभा की विशेषता, देखिए, नूह विधानसभा की बात करें या इस पूरे मेवात क्षेत्र की बात करें, कि जिसको अंग्रेजों के राज में 3 स्टेटों में बांट दिया गया था, उस टाइम का पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और मेवात क्षेत्र की और ख़ास तौर पर नूह विधानसभा के क्षेत्र की ये विशेषता है कि इस देश पे चाहे मुगलों ने आक्रमण किया, चाहे अंग्रेज़ों ने किया, चाहे किसी ने भी किया, तो दिल्ली के आसपास का ये क्षेत्र, मेवात का क्षेत्र हो, चाहे इसकी बात हो, चाहे बल्लभगढ़ के शहीद राजा नाहर सिंह जी की बात हो, चाहे अहिरवाल के राजा राव तुलाराम जी की बात हो, उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र के लोगों ने कभी भी आक्रमणकारी को कभी भी अपना नहीं माना, और उनका डट के मुकाबला किया, और मेवात की शहादत को, मेवात की 36 बिरादरी की शहादत को अगर पहली बार इज्जत और सम्मान मिला है, तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है कि 15 मार्च की छुट्टी शहीद राजा असंख्या मेवाती की याद में की है, और 9 मार्च 2023 को बड़गली के चौक पर उनकी मूर्ति की स्थापना हुई, और वो पूरे मेवात की शहादत का है, मेवात की 36 बिरादरी का है, क्योंकि जब हम मेवात की बात करते हैं तो मेवों की नहीं, 36 बिरादरी की बात होती है, मेवातियों की बात होती है, तो ये वहाँ शहादत को हुआ, क्योंकि जब बाबर ने इस देश पर आक्रमण किया हमारे हिंदुस्तान पे, तो उसने ये बात कह के भी बहकाना चाहा कि भाई मैं भी मुसलमान हूँ, मेवों को कि आप भी मुसलमान, लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, देश की रक्षा करेंगे, और शहीद राजा हसन खां मेवाती के नेतृत्व में खानवा के मैदान में 12,000 घुड़सवार मेव शहीद हुए, और कभी भी आज मेवात के लोगों ने बाहर के आक्रमणकारियों की पराधीनता स्वीकार नहीं की, इसीलिए उनके ज़माने की कोई विकास कार्य यहाँ नहीं मिलता, और यहाँ मिलते हैं तो उनके ज़माने की फांसी जिन पेड़ों पर दी गई वो पेड़ हैं कुछ अब भी अंग्रेज़ों के, या जेल यहाँ पर थाने बने या उनकी आरामगार रेस्ट हाउस बने, और आज़ादी के बाद भी अगर मेवात के लोगों को इज्जत और विकास मिला, तो
तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी और आज आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो शानदार काम कर रही है, पहली बार मेवास को ऐसा विकास हुआ है। नूह विधानसभा का संक्षिप्त में हाल जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? नूह विधानसभा आज उस तरक्की के रास्ते पे है जो 10 साल पहले ये 2014 में सफर हुआ। आज यहाँ पर उससे पहले ना कोई नेशनल हाईवे डेवलप हुआ, आज 90,000 करोड़ जिसकी लागत थी, लेकिन अब वो 1,25,00,000 करोड़ में बना। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो दिल्ली को बॉम्बे से जोड़ता है, वो मेवात के बीचों बीच से गया है। उसके आज उसकी देन है कि उसकी वजह से जो ज़मीनें लाखों रुपए में नहीं निकली थी, आज कई कई करोड़ रुपए एकड़ यहाँ पर रेट हुआ है। जो KMP एक्सप्रेसवे हुड्डा साहब की सरकार ने 10 साल तक कंप्लीट नहीं करके दिया, आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसको चंद महीनों में पूरा किया। रोज का मेव के अंदर एशिया की सबसे बड़ी बैटरी की फैक्ट्री लग रही है। पीने के पानी के लिए बादली से परियोजना आई 263 करोड़ रुपए से। फिरोजपुर झिरका के 80 गाँव के अंदर पिछले साल वाटर सप्लाई चालू हो गई। अब 306 करोड़ रुपए से आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो मंजूर की, अब आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने उसको टेंडर कर हो गया है, काम शुरू होने वाला है। इसी तरह मेवात में बिना पर्ची खर्ची गई, पिछले 70 साल में इतनी नौकरी नहीं लगी। जो एक लिस्ट में 40-40 बच्चे जेई लगे, अब PGT की लिस्ट आई है, 107 बच्चे मेवात के लगे हैं। बिना पर्ची खर्ची के मेवात का विकास हुआ। ड्रेन से पानी आज मेवात को मिल रहा है, जहां सरसों और गेहूं नहीं होती थी, आज धान हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आने वाले वक्त में मेवात का क्षेत्र, मेवात नूह जिला, नूह विधानसभा पूरे देश में नंबर एक पे होगी। ये देन है आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय मनोहर लाल जी की, भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की।